दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने जापान के सागर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती पर रिएक्शन देते हुए दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल को पश्चिमी शहर उन्यूल के पास स्थानीय समयानुसार सुबह 7:50 पर लॉन्च किया गया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने 19 जुलाई को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया। उत्तर कोरिया ने इसे दक्षिण कोरिया पर कृत्रिम परमाणु हमला करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए नॉर्थ कोरिया ने इस साल मिसाइल परीक्षणों की सीरीज सी शुरू कर दी और कहा कि वो दक्षिण में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की योजनाबद्ध तैनाती के विरोध में भौतिक कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत उत्तर कोरिया की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक विकसित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।